मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री सीपी जोशी से मुलाकात की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सुषमा स्वराज भी उपस्थित थी। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में शासकीय आवासों के सर्वे की समीक्षा की। और संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में सांची बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री सीपी जोशी से मुलाकात कर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों की खराब और खस्ता हालत की स्थिति से अवगत करवाया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सुषमा स्वराज सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। चौहान ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की सड़कों की खराब हालत के बारे में बतलाते हुए कहा कि खराब सड़कों से जनता काफी असंतुष्ट है। सड़कों में जगह जगह बड़े गड्ढे होने से यातायात की दृष्टि से ठीक नहीं है। इससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सड़कों को ठीक करने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। चौहान ने बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 125 करोड़ रूपए खर्च कर चुकी है, जो पर्याप्त नहीं है। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अभी भी काफी खराब है और जिनको अविलंब ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री चौहान द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन 2012 में 20 दिसंबर को मतदान में कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश मिलेगा। कामगारों को यह अवकाश साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर दिया जाएगा। श्रम आयुक्त ने मंडी क्षेत्र में अपने आने वाले कारखानों के प्रबंधकों और कृषि उपज मंडी के नियोजकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सप्ताह में 7 दिन कार्य करने वाले कारखानों के श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घंटे की सुविधा दी जाएगी। इसके अनुसार प्रथम पाली निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व बंद तथा दूसरी पाली नियमित से 2 घंटे बाद प्रारंभ होगी। इससे कामगार अपना मतदान कर सकेंगे। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि शासकीय आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाएं। गुप्ता मंत्रालय में आज शासकीय आवासों में सर्वे की समीक्षा कर रहे थे। गुप्ता ने कहा कि सर्वे के दौरान जिन 114 शासकीय आवास में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी सामने आई है, उनके विरुद्ध अतिशीघ्र बेदखली की कार्रवाई करें। इन आवासों में यदि शासकीय कर्मचारी हों तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भी लिखा जाए। गृहमंत्री ने सर्वे के दौरान संदिग्ध पाए गए 445 आवास का सर्वे पुनः करवाने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि संपदा संचालनालय द्वारा भोपाल के 11,214 शासकीय आवास का सर्वे करवाया गया था। राज्य शासन द्वारा मोरगा एक कोल ब्लॉक के विकास को गति देने तथा इस ब्लॉक में उपलब्ध कोयले के आवंटन उपयोग की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया गया है। समिति में जल संसाधन और पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया, श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह एवं ऊर्जा और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हैं। सचिव ऊर्जा इस समिति के सचिव एवं सचिव खनिज साधन विभाग समिति के अपर सचिव होंगे। बाछड़ा और बेड़िया समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से 5 जिलों रतलाम, मुरैना, शिवपुरी, नीमच एवं मंदसौर में बाछड़ा बेड़िया सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्र में वर्तमान में 300 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ग के युवक युवतियों में सजातीय विवाह संबंध करवाए जाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। शादी करने वाले दंपतियों को प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की ओर से 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।